राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता 7 अगस्त को सामाजिक न्याय दिवस पर 3 सूत्री मांग को लेकर के करेगा आंदोलन। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में आज दरभंगा के लहरिया सराय में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर राजद 3 सूत्री मांग को लेकर के 7 अगस्त शनिवार के दिन 11 बजे जातीय जनगणना कराने, आरक्षण के खाली पदों पर बैकलॉग लागू व्यवस्था करने और मंडल आयोग की सभी अनुशंसाओं को लागू करने को लेकर के उस रोज राजद प्रदर्शन करेगा। यह प्रदर्शन कर्पूरी चौक बेता से प्रारंभ होते हुए लहरिया सराय समरणालय तक जाएगी और उपरोक्त मांगों से संबंधित एक स्मारक पर जिलाधिकारी दरभंगा के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। विदित हो कि 7 अगस्त 1990 को दिवंगत बीपी सिंह नित भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी मंडल आयोग के अनुशंसाओं को लागू किया था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का सार्थक प्रयास और योगदान महत्वपूर्ण रहा। इन अनुशंसाओं के बाद बहुजन समाज को मुख्य धारा में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आगामी 7 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। जो 7 का प्रोग्राम है, 7 तारीख को ही बीपी मंडल साहब ने मंडल कमीशन की घोषणा किया था। बीपी सिंह तो तब से ये हमारा दो तो हुआ। बाद बाकी जो अनुशंसाएं हैं उसको लागू करने में ये कोर्ट कहता है कि भाई आपका तो 90 साल पुराना जनगणना है, वो उसको हम नहीं मानते। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से स्टेट गवर्नमेंट में किया, स्टेट में किया है, और वो भी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के वजह से उसने मध्य प्रदेश को किया है। और उसके बाद जो अन्य प्रदेश हैं उन प्रदेशों की ये स्थिति है कि उसमें जातिगत जमघाड़ा है कि अब तक जो है जो 90 साल से रुका हुआ है उसको जातिगत बता दे कि भाई जैसे बताया हमारे प्रभारी जी ने कि बकरी का करते हैं, मुर्गी का करते हैं, फ्रीज या टीवी का करते हैं, कुत्ता बिल्ली का करते हैं, और जातियों के करने में क्या आपत्ति है। इसको हम सड़क पर हर एक आदमी के बीच में इसको सवाल को खड़ा करना चाहते हैं कि ये लोग अपने तैयारी करें और अपने अपने हर जिला मुख्यालय में ये राजद के तरफ से ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये निर्देश है। हमारे प्रदेश के ज्योति ये तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी जो नेता विरोधी दल हैं उनके तरफ से ये एक अलग से एक आदेश आया है, एक निर्देश आया है कि वो आप हर जिला में प्रदर्शन करिए और अपनी बात प्रधानमंत्री को भेजना है, यहाँ द्वारा कलेक्टर के माध्यम से उसको भेजना है। यही हम लोग का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी कर्पूरी चौक से दिन के सवे 11 बजे। वहाँ से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से 2 लाइन में जमा होके और कलेक्टर के यहाँ जाके एक स्मारक पत्र देंगे और वहाँ के बाद हम लोग का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा।